दोस्तों बीजेपी सरकार की योजना कितनी खोखली है, उनके किए वादे कितने पूरे हुए हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आपको याद होगा सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि बीजेपी सरकार आएगी तो गरीबों के मकान पक्के होंगे, उनको झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उनके ये सारे वादों की पोल धीरे धीरे खोली जा रही है और सरकार की सच्चाई जनता खुद बता रही है। खुद कह रही है कि सरकार ने जो भी योजना बनाई है उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों सरकार की योजनाओं का भांडा फोड़ने वाला वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का डंका सरकार पीटती रहती है कि हम गरीबों को घर दे रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं गरीबों के मुंह से आप सुन सकते हैं कि किस तरह से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें महिला खुद कह रही है कि अगर हमको इसका लाभ मिला होता तो हम झोपड़ी में रहने को मजबूर क्यों होते। सभी बोल रहा आपका पेपर में फोटो आ गया, तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं, तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो मर कहां लिया, हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किए, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ यही हम किए थे, यही हमको पता है और कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं ये घर मेरा नहीं है, घर रहने से हम झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए ये घर, परीक्षा एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंसेस को। तो ये घर इनका है, ये तो भाड़ा का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। दोस्तों तो देखा आपने आजकल पेपर भी बिका हुआ है, जहां न्यूज़पेपर में भी झूठी खबरें छापी जा रही हैं। एक महिला को खुद नहीं पता है कि उसकी फोटो कब ली गई और उसकी तस्वीर को अखबार में छाप कर ये कह दिया जाता है कि उनको आवास योजना का लाभ मिला है और वो मोदी सरकार की आभारी है। इस देश में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आजकल तो मीडिया भी सरकार के हाथों बिक गई है, जिसका वीडियो आपने खुद देख लिया है। आप समझिए कि किस तरह से आज की मीडिया सरकार के इशारे पर चल रही है। जहां सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही है, वहीं सरकार के झूठे वादों को ये मोदी मीडिया सच दिखाने पर तुली हुई है। दोस्तों यही नहीं, एक और खबर आपको बताती हूं, जहां कुछ मीडिया के लोग जो खुद को बड़े पत्रकार कहते हैं, उनका कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत पैसा लेने के बाद भी कई लोगों ने आवास निर्माण का काम पूरा नहीं करा रहे हैं और सरकार उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगी, लेकिन कौन ऐसा है जो आज पक्के घर में नहीं रहना चाहता। आप खुद सोचिए कोई किराए के घर में या फिर झोपड़ी में क्यों रहेगा। सरकार ने पैसे देने का वादा किया, लेकिन अगर सरकार उनको पैसे नहीं देगी तो वो घर कैसे बनाएंगे। मोदी सरकार लगातार फेल होती जा रही है, अपने ही किए वादे पूरे नहीं कर पा रही है। जनता किस पर भरोसा करे, जहां पत्रकार मीडिया हाउस सभी मोदी सरकार के हाथों बिक गए हैं तो जनता किसके पास जाए। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।